हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम रोडा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यहाँ की ट्यूशन फीस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में। तो जितनी भी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है वेस्ट कजाकिस्तान मैरात ओस्मानोव मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसका एक और नाम है। अब मैं बात करूँ इसकी लोकेशन के बारे में, तो ये लोकेटेड है एक्टोबे सिटी में। सो मैं अगर आपको ट्रैवलिंग के बारे में बात करूँ, तो आपको कैसे जाना होगा वहाँ तक, तो सबसे पहले आपको दिल्ली से फ़्लाइट लेनी पड़ती है अलमाटी तक की, ठीक है। आपको रेगुलर फ़्लाइट्स मिल जाएंगे, दिल्ली एक फ़्लाइट चलती है अलमाटी तक की, अलमाटी के बाद आपको एक्टोबे तक जाना पड़ता है। और जो दिल्ली से अलमाटी तक का टाइम लगता है, वो लगता है अराउंड 3.5 घंटे का, और इसके बाद एक्टोबे तक का आपको 2 से 3 घंटे का यहाँ पर टाइम लगेगा। तो टोटल आपकी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी 6 to 7 आवर्स की। आपको देखो साल में एक बार आना जाना होता है, तो आपको ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको अलमाटी के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार है, चलता है साल में, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ की लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ की रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है NMC से, USMLE लिस्टेड है, ठीक है, इसके अलावा GMC, PLAB और इसके अलावा ECFMG, तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है इन सभी जगह से। और मैं बात करूँ अगर इस यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड ये एक यूनिवर्सिटी है। और मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आता है जनरल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग, और इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग तरह के। तो आपको एक पूरा मेडिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, और 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आज की डेट में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे, और आपको वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी इंडियन कल्चर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको फैमिलियर वहाँ पे लगने वाला है। और बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं उसमें हाईटेक इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे डाइसेक्शन कराया जाएगा इसके अलावा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेग्राउंड यहाँ पे मिलने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, तो हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं NMC गाइडलाइंस को लेकर, क्या यूनिवर्सिटी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलो करती है NMC गाइडलाइंस को। जो यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ टीचिंग रहने वाला है वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है बेसिकली, और जो आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 5+1 का, ठीक है। और मैं बात करूँगा यहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में, तो ये हॉस्पिटल यहाँ के रनिंग में है, चलते हैं, काफ़ी पेशेंट इनफ्लो रहता है। और इस यूनिवर्सिटी का के जो हॉस्पिटल है उनका टाइप्स है एक्टोबे के अलग अलग हॉस्पिटल के साथ, जहाँ पे आप जाके अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पेशेंट्स मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। आपको वहाँ की थोड़ी लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, फर्स्ट एड में सब्जेक्ट भी रहेगा, आपको कजाकिस्तान सीखनी पड़ेगी ताकि वहाँ के आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जो वहाँ की लैंग्वेज है कजाकी, वो आनी जरूरी है, ठीक है। तो वो आपको सिखाई जाएगी फर्स्ट ईयर में, और आपको काफ़ी ज़्यादा काम भी आने वाली है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो जो ये कंट्री है कजाकिस्तान, बिल्कुल सेफ कंट्री है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं हिस्ट्री में लेकर चलूं, तो ये जो कंट्री थी ये USSR के अंडर आती थी, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और रशिया, यूक्रेन, तो ये USSR एक पार्ट होता था। तो USSR ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक राज किया है, तो इस वजह से जो यहाँ का कल्चर है वो आपको मोर रशियन दिखने को मिलेगा। तो काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और इसके अलावा जो क्राइम रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको सेफ्टी को लेके कोई कंसर्न नहीं रहने वाला है यहाँ पे। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जो कंसर्न रहते हैं अपने गर्ल कैंडिडेट को लेके, गर्ल चाइल्ड को लेके, तो बिल्कुल सेफ कंट्री, किस तरह आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं आपको, 2 to 3 सीटर रूम आपको यहाँ पे मिलेगा अवेलेबल, और जो हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको हॉस्टल में आपको AC प्रोवाइड किया जाएगा, हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्या होता है ना कि कजाकिस्तान में कई बार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो उसकी वजह से हीटर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है, ठीक है, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जाएँ या हॉस्टल में आप कहीं भी जाएँ, तो आपको हीटिंग प्रोवाइड यहाँ पर की जाएगी, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है। इसके अलावा आपको एक अलग से सेपरेट हीटर भी मिलेगा, कबर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे, मैट्रेस मिलेगा, ठीक है, और आपको इसके अलावा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एक आपको किचन भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप खुद से वहाँ पे कुकिंग करना चाहते हैं। हालांकि इंडियन मेस वहाँ पे अवेलेबल है,
और वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन मैस आपको ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, नहीं तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको किचन भी एक सेपरेट वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और वहाँ पे आपको पूरे हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो कि हमेशा चलते रहते हैं, साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिलेंगे ताकि आपकी जो सेफ्टी है वहाँ पे बनी रहे। बात करें अगर वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस के बारे में, तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो है $3,600 पर एनम, और बात करें अगर यहाँ की हॉस्टल फीस के बारे में तो वो है $300 पर एनम, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहने वाली है, जो आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल बनी है वो बनी है आपका $3,900। और इसके अलावा आपके कुछ और एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जैसे कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा एक्सटेंशन, ठीक है। तो अगर हम सबको कैलकुलेट करें, सबको ऐड ऑन करें, तो जो आपका टोटल बजट बनने वाला है इस यूनिवर्सिटी के लिए वो बनेगा आपका 30-32 लाख के बीच। अगर आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल करना होगा, ठीक है। ये बात कर ली फीस के बारे में और बजट के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले आपके पास PCB आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें आपको 50% कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका नीट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं, एलिजिबल आप हो रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस भी इसी तरह रहेगा, आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पे हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और हम आपका अप्लाई करेंगे वहाँ के एडमिशन लेटर के लिए, ठीक है। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, फिर आपका इन्विटेशन लेटर आएगा, फिर आपका वीज़ा, फिर देन आप अप्लाई करेंगे एक्टोबे के लिए, ठीक है, वेस्ट कजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, और फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई क्वारी है, कोई डाउट है तो भी बेफिक्र होकर बिल्कुल पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल करके, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।